हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. वी रीड इंग्लिश बुक गोल्डन रेस ऑफ फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव द अर्थ. हमने फर्स्ट सीन द बुक दैट सेव द अर्थ का हमने फर्स्ट सीन रीड कर लिया था. अब हम इसका सेकेंड सीन रीड करेंगे. व्हाट गेजेस आर मेड द थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ. पृथ्वी पर मिली पुस्तकों के बारे में थिंक टैंक द्वारा क्या अनुमान लगाया गया, क्या उसने गैस किया. टाइम है अ फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ समय बाद. प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण, मार्स स्पेस कंट्रोल यानी मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण, और सेंटर विले सार्वजनिक पुस्तकालय. एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड एंड सेंटर, जो कैप्टन ओमेगा है बस सेंटर में खड़े हैं. ओपनिंग एंड ओपन कर रहे हैं. क्लोजिंग कार्ड एंड कैटलॉग ड्रॉवर इन कन्फ्यूज्ड फैशंस. और जो कप्तान ओमेगा है वो अस्त व्यस्त तरीके से कार्ड कैटलॉग के दराज को खोलते और बंद करते हुए बीच में खड़े हैं. लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन बुक केस. सर्जेंट उप इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफिलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड. और लेफ्टिनेंट आयोटा किताबों के एक छोटे बक्से में से किताबें गिनते हुए बाईं ओर ऊपर खड़ी हैं. सार्जेंट उप एक किताब को खोलते हुए, बंद करते हुए, उलट पुलट करते हुए, इसे हिलाते हुए और फिर पन्नों को शीघ्रता से खोलते हुए, अपना सिर हिलाते हुए दाईं ओर बैठे हैं. अब जो नूडल है, एडजस्टिंग नॉब, आई हैव ए क्लॉज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर. वह घुंडियों का समायोजन करते हुए यानी नॉब करते हुए, महाशय अंतरिक्ष यान का चालक समूह मुझे पास से दिख रहा है, ऐसा नूडल्स कहता है. थिंक टैंक पुट ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न्स towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structures. Think tank अत्यधिक बड़े चश्मे पहनता है और मंच की ओर देखने के लिए मुड़ता है. वे किसी प्रकार को पृथ्वी की संरचना में प्रवेश होते प्रतीत होता है, थिंक टैंक कहता है. एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टेक्ट, बहुत बढ़िया, आवाज़ संपर्क स्थापित करो यानी कि आवाज़ को कनेक्ट करो. नूडल्स कहता है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू एंड प्रॉब वन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू प्रॉब वन, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशंस. और वो बोलते हुए माइक्रोफोन में बोलते हुए कहते हैं, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह एक दलित कर्मियों से बात करना चाह रहा है. मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण सूचना संग्रह के दल कर्मियों से बात करना चाह रहा है. आइए कप्तान ओमेगा और इसे हम ठिकाने के बारे में बताते हैं. ओमेगा कहता है स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल. और एक यंत्र से बोलती हुई जो उसके गले में पड़ी चेन है. कप्तान ओमेगा मंगल ग्रह अंतरिक्ष यात्री को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करना है करता है. लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट उप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट्स. वी हैव टेक शेल्टर्स इन द इंडिकेट रूम्स दिस स्क्वायर प्लेस. हैव यू एनी आइडियाज वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा. और लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट उप के बिना किसी अप्रिय घटना के पृथ्वी पर पहुँच चुके हैं. इसमें हमने शरण ले ली, कमरे की ओर संकेत करते हुए वो कहते हैं इसे इस वर्गाकार स्थान में. लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि हम कहाँ हैं. तो आयोटा कहता है आई कांट फिगर इट आउट, मुझे नहीं पता चल रहा है कैप्टन.
होल्डिंग इन अप अ बुक, एक बुक को होल्ड करते हुए पकड़ते हुए बोलते हैं। आई हैव काउंटिंग 2000s ऑफ पेक्युलरी आइटम्स। और वह कहते हैं कि हमने मैंने विचित्र वस्तुओं में से 2000 तक की गणना कर ली है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न बान। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओको? और लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कोई अंदाज़ा है कि हम कहाँ हैं? वह स्थान अवश्य कोई खलिहान भंडार होगा, आप क्या सोचते हैं सार्जेंट उप? तो अब सार्जेंट उप कहते हैं कि आई हैव नॉट क्लू, मेरे पास कोई क्लू नहीं है। परहैप्स द ग्रेट I have been to galaxy, but I have seen anything like this. Maybe there are hats. He opens a, put it on his head. Stay, maybe this hubbed sherry. I have been 7 galaxies. मैं जो आकाशगंगा 7 आकाशगंगा में गया हूँ, परंतु मैंने इस तरह की कोई भी वस्तु कभी नहीं देखी। शायद ये टॉप है। वह एक किताब खोलता है और इसे अपने सिर पर रखता है। कहीं शायद यह विसाती की दुकान है। हर्बल श्री यानी विसाती की दुकान। ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक्स गिव अस बेनिफिट्स हिज थॉट्स ऑन द मैटर। नीचे झुकते हुए शायद महान और महाबली थिंक टैंक ही इसे मामले में अपनी सोच से हमें लाभान्वित कर सकते हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री मतलब होता है सरल। माई डियर ओमेगा, एलिमेंट्री थिंक टैंक कहता है माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो आई मे व्यू इट क्लोजेज। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन अ पाम ऑफ हैंड। यस यस आई अंडरस्टैंड नो। माई डियर ओमेगा, इन वस्तुओं में से एक को पकड़ो ताकि मैं इसे निकटता से देख सकूं। ओमेगा एक किताब को अपने हाथ हथेली पर रखता है और बोलता है यस यस आई अंडरस्टूड नो, मैं इसको अच्छी तरह से समझता हूं या जानता हूं। सिंस अर्थ क्रिएचर ऑलवेज इटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ अनडाउटेबली एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। रिफ्रेशमेंट में होता है अपरिष्कृत रूप से, क्योंकि पृथ्वी में प्राणी सदैव खाते रहते हैं। जिस स्थान पर तुम हो निसंदेह एक परिष्कृत अल्पाहार केंद्र है, यानी कि एक रेस्टोरेंट है। ओमेगा, अब ओमेगा कहता है थिंक टैंक दैट टाइम वेल द अर्थ क्विक सर्टेनली हैव अ स्ट्रेट स्ट्रेंज डाइट, यानी कि यह एक अल्पाहार केंद्र है। ओमेगा कहता है गुड That items in your hand is called sandwich. अब हम इसको क्या कहेंगे? अच्छा, निसंदेह पृथ्वीवासियों का भोजन विचित्र है। थिंक टैंक कहता है तुम्हारे थिंक टैंक दैट आइटम्स इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच, कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वह सैंडविच कहलाता है। ओमेगा कहता है नोडिंग ए सैंडविच, सिर हिलाते हुए कहता है सैंडविच। आयोटा कहता है सिर हिलाते हुए यस सैंडविच। उप टॉकिंग टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड एंड सैंडविच, और वह अपने सैंडविच को अपने सिर में किताब लेते हुए कहता है सैंडविच। थिंक टैंक सैंडविचेज आर मेड स्टेपल्स ऑफ द अर्थ डाइट, लुक एट इट क्लोजली। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक, देयर आर टू स्लाइस ऑन व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इन सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। और थिंक टैंक कहता है सैंडविच पृथ्वी के आहार का मुख्य तत्व है, इसको निकटता से देखो। ओमेगा किताब को तिरछी नज़र से देखता है। इसमें 2 टुकड़े उसके होते हैं जिसे डबल रोटी कहा जाता है, और उनके बीच कुछ इस तरह का बरावन भार भरा जाता है। अभी ओमेगा ग्लपिंग इट, ग्लपिंग का मतलब होता है वह सही है महाशय। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुमको डाउट है? ओमेगा कहता है नो मुझे नहीं है, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैज़ हर ब्रेकफास्ट, लेकिन लेकिन जो बेचारी आयोटा है ने अपना नाश्ता नहीं किया। लेफ्टिनेंट आयोटा
आई ऑर्डर्ड यू टू ईट दिस सैंडविच, कि लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें इस खाने की आज्ञा देता हूँ, यह सैंडविच है। अब आयोटा कहता है ड्यूबिलेसली यानी होता है संदेहास्पद, इट ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मैटियन टू ईट ए सैंडविच, आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। संदेहास्पद रूप से मैं इसे खाऊं, ओ कप्तान, मैं आश्वस्त हूँ कि मैं एक सैंडविच खाने वाली प्रथम मंगल ग्रह निवासी होने का एक बहुत सम्मान की बात है, परंतु अशिष्ट कैसे हो सकती है कि आपने सार्जेंट से पहले खाऊं। अब जो है उप, हैंडिंग उप द बुक एंड सेइंग ब्राइट, यानी उप को पुस्तक थमाते हुए चतुराई से वह कहते हैं कि सार्जेंट उप कहते हैं, सार्जेंट उप आई ऑर्डर यू टू ईट सैंडविच इमिजिएटली, कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि सैंडविच को तुरंत खाओ, उप कहता है। मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट आयोटा, मी लेफ्टिनेंट आयोटा, यानी कि मेकिंग मुंह बनाते हुए, कौन लेफ्टिनेंट में, कौन लेफ्टिनेंट, आयोटा और ओमेगा कहते हैं सैल्यूटिंग्स द फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स उप, अभिवादन करते हुए मंगल ग्रह के गौरव के लिए उप। उप, यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली इमिजिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली द बाइट डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पेंटोनोमिक्स चिविंग एंड स्वॉलिंग वैन मेकिंग टेरिबल फेस। हाँ, अवश्य प्रसन्नता से शीघ्र वह अपना मुंह खोलते हुए ओमेगा और आयोटा अपनी सांस थामकर उसे देखते हैं, वह पुस्तक के एक कोने को दांत से काटता है, वह भयंकर मुंह बनाते हुए चबाने और निगलने का मुख अभिनय करता है। ओमेगा, वेल उप, ठीक है, थिंक टैंक। आयोटा, वेल उप ऑफ कफ, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ठीक है, उप, वह उप खांसता हुआ ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ पर थपथपाते हैं। आयोटा थिंक टैंक कहता है, वाज इट डिलीशियस सर्जेंट उप, क्या यह इतना स्वादिष्ट नहीं है सर्जेंट उप। उप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, इट वाज नॉट डिलीशियस, सैल्यूट करते हुए यानी अभिवादन करते हुए, यह सही है महाशय, वह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ टू द अर्थलिंग कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मैटियन डस्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि पृथ्वीवासी इन सैंडविचों का पानी के बिना कैसे निगलते होंगे, वे मंगल ग्रह की धूल के समान सूखे हैं। नूडल, सर सर, ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, महान और महाबली थिंक टैंक, आई बेग योर पैराडन, यानी कि क्षमा चाहना या क्षमा मांगना, बट एन इन साइनिफिशेंट्स बिट ऑफ डाटा फ्लॉटेड इन टू माई माइंड अबाउट दोज सैंडविचेस, वो क्षमा मांगता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु इन सैंडविचों के बारे में एक महत्वहीन मामूली सा तथ्य मेरे दिमाग में आया है। तो थिंक टैंक कहता है, इट कांट बी वर्थ मच, बट गो अहेड, गिव योर ट्रिफलिंग्स बिट ऑफ डाटा। तो थिंक टैंक कहता है, महाशय इसका महत्व अधिक नहीं हो सकता, परंतु आगे बढ़ो, हमें अपनी महत्वहीन तथ्य बताओ। तो नूडल, वेल सर, ठीक है, आई हैव सीन, में देखता हूँ, सर्वेयर यानी सर्वेक्षण, फिल्म, मैं फिल्म का सर्वेक्षण देखता हूँ, दो सैंडविच, उन सैंडविच में आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। नूडल कहता है, अच्छा महाशय, मैंने उन सैंडविचों के सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र देखे हैं, मैंने ध्यान से देखा है कि पृथ्वीवासी उन्हें खाते नहीं हैं, वे उनको किसी प्रकार से संचार उपकरण की तरह प्रयोग करते हैं। थिंक टैंक हॉटली यानी कि घमंड से कहते हैं, नेचुरली प्राकृतिक रूप से घमंड से वह कहते हैं, देट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, अब यह मेरा अगला पॉइंट है, दिस आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविच, यह हमारा एक्चुअली कम्युनिकेशन है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक गलत नहीं है,
हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन रॉन्ग है, सैल्यूटिंग यानी सैल्यूट करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक्स इज़ नेवर रॉन्ग, और वह भी माइटी ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक भी कभी रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। थिंक टैंक कहते हैं देयर फॉर आई ऑर्डर्ड यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम्हें इसको सुनने का आदेश देता हूँ। ओमेगा कहता है लिसन टू देम, उनको सुनो। आयोटा एंड ओप टू इच अदर पजल्ड, वह एक दूसरे में उलझ जाते हैं लिसन टू देम और उनको सुनने लगते हैं। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स, मार्बल्स जो होते हैं कंचे होते हैं, जिसको इन योर ईयर्स, क्या तुम कंचे क्यों सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में तुम्हें कंचे की आवाज़ आ रही है। आई सेड, मैंने कहा लिसन टू देम मैटियन बो वेरी लो, मैंने कहा कि उसको सुनो। मैटियन बो वेरी लो यानी मैटियन जो बो हैं ग्रह है वो अब कम हो जाता है। ओमेगा इट शेल बी डन सर, यह पूरा हो जाएगा सर। दे टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर इट लिसनिंग इट इशेंशली, यह किया जाएगा महाशय, उनमें से प्रत्येक छोटे बक्से में दो पुस्तक निकालते हुए अपने कानों के पास ले जाकर पूरे ध्यान से सुनते हैं। आयोटा विस्परिंग्स टू ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, वह जोर से नॉट अ थिंग्स, अब नहीं, ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, और वह दोनों जंप कर लेते हैं। ओमेगा आयोटा देन लिसन इंटेंसली अगेन, यानी कि इसको दोबारा से सुने। थिंक टैंक वेल वेल, ठीक है रिपोर्ट टू मी, और मुझे रिपोर्ट दें। व्हाट डू यू हियर, कि आप क्या सुन रहे हैं। ओमेगा नथिंग सर, कुछ नहीं। परहैप्स वी आर नॉट ऑन करेक्ट फ्रिक्वेंसी, शायद हम इसकी जो तीव्रता है उसको हम नहीं सही नहीं है। आयोटा नथिंग सर, कुछ नहीं सर। परहैप्स द अर्थलिंग एंड शार्पर ईयर देन वी डू, वापस कान में खुसुर फुसुर करते हुए, कुछ नहीं, क्या तुमने कुछ सुना है। नहीं, अच्छा, वे दोबारा से पूरे ध्यान से सुनते हैं। उप, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ, शायद इसमें सैंडविच में आवाज़ नहीं करते हैं। ओ महाशय, यह सुनना जारी रखें। थिंक टैंक उप, आई डोंट हियर, मे बी दिस सैंडविच डोंट मेक साउंड, या मुझे इसमें से कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। थिंक टैंक वॉट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड ए मिस्टेक, इसमें अगर कोई गलती हो तो हमें सुनाई दे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आपने जो मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आपने उनको मीनिंग्स को अपनी पेंसिल से अपनी बुक में लिख लिया होगा। हम हमारा पार्ट 3 हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा साइन कर लेते हैं ताकि हमें पता लगेगा कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।